बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को आज हमने डिस्कस करनी है। आज की इस लेक्चर्स के अंदर हमने जो है डिस्कशंस करनी है वो है एफपीएससी के जो लेक्चरर के ऊपर जो जॉब्स आई थी उसके ऊपर जो हमने अप्लाई किया था उनकी जो है वो टेस्ट जो डेट्स हैं शेड्यूल्स हैं वो अनाउंस हो चुके हैं एफपीएससी का, तो इसी के ऊपर आज हम डिस्कस करते हैं। तो ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन के ऊपर इसे प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और इस चैनल के ऊपर आपको सारी चीजों की एक्सेस आपको मिलते रहे। चलिए हम इसका प्रॉपरली इसको स्टार्ट करते हैं। अब इसमें ये जो है आपको पता है कि कुछ टाइम पहले एक दो मंथ पहले एफपीएससी के जरिए लेक्चरर की पोस्ट आई थी, फीमेल की लेक्चरर की पोस्ट आई थी और दूसरी भी और काफी सारी पोस्ट आई जॉब्स आई थी एड नंबर 4 से लेकर 7 तक। इन सब जो है लेक्चरर की जो पोस्ट का जो टेस्ट का जो शेड्यूल है वो अनाउंस कर दिया गया है, इनके जो टेस्ट डेट्स की जो डेट्स हैं वो अनाउंस कर दी गई हैं। तो इसके बारे में कंप्लीट हम डिस्कशन करते हैं। तो आप जैसे ही चाहेंगे सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं ये जो एमपीटी टेस्ट जो होने वाले हैं सीएसएस एग्जाम्स का 19 नवंबर को जो होना है उसके बारे में थोड़ी सी ये इन्फॉर्मेशन दी है कि आप जो कैंडिडेट्स जो 19 नवंबर को जाने वाले हैं जो फर्स्ट टाइम उनका जो पेपर होगा वो जो है वो 8 बजे उन्होंने लाजमी पहुंचे अपने हॉल में और 8:30 बजे उनकी जो है अटेंडेंस स्टार्ट हो जाएगी मॉर्निंग बैच वाले। जो इवनिंग बैच वाले हैं वो 1 बजे तक लाजमी पहुंचे और उनकी जो अटेंडेंस जो है वो 1:30 बजे उनकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ओके। उसके बाद हम आते हैं अपने इस जो है लेक्चरर के पेपर्स के ऊपर। तो इससे पहले ना उन्होंने एक जो है नोटिफिकेशन जारी किया है कि नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि चेंज ऑफ सेंटर, क्या आप अपना सेंटर अभी चेंज कर सकते हैं, जिसमें क्या है कि स्क्रीनिंग एमसीक्यूज रिटर्न टेस्ट ने वो जो एफपीएससी ने एमसीक्यूज का पेपर उन्होंने कंडक्ट करना है। अब यहाँ पे केस लिस्टेड अटैच जो कि मैं अभी आपको डिस्कस करते हैं कि वो जोन जोन से इन्होंने पेपर्स जोन जोन से पेपर्स के टेस्ट लेने हैं उनके बारे में इन्होंने सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी है जो कि मैं हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट का इन्होंने एग्जाम्स लेना है। तो सबकी उनके जो कह रहे हैं कि वो आप जो है इनका जो अपने जो टेस्ट सेंटर है वो अभी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और उसका जो टेस्ट जो है वो शुरू हो जाएंगे 29/12/2023 से लेके ऑनवर्ड्स के 29 दिसंबर 2023 से ये टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं और उससे आगे तक ये जो है जो बाकी जितने भी अप्लाई हुए थे लेक्चरर के डिफरेंट जितनी पोस्ट थी तो 29 से उनके टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, फॉर चेंज ऑफ सेंटर फॉलोइंग प्रोसीजर में बी अडॉप्टेड, अगर आप सेंटर चेंज करना है तो यहां से आप अपना सेंटर चेंज कर सकते हैं। ये इन्होंने लिंक प्रोवाइड किया है, इस लिंक को कॉपी करके आप URL में इसको पेस्ट करें तो आगे बस ये लिंक ओपन हो जाएगा। आप 16/11/2023 तक से लेके 27/11/2023 तक आप जो है अपना टेस्ट सेंटर चेंज कर सकते हैं। जो अगर सपोज कोई मुल्तान का है तो वो लाहौर का सेंटर चूज कर सकता है। कंडीशन क्या है, 16 से लेके 27 तारीख तक। ठीक है, नो मैनुअल रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर विल बी एक्सेप्टेड, कोई मैनुअल जो है वो इसमें एक्सेप्टेड नहीं होगी। ठीक है, कोई आप फिजिकली इसको नहीं कर सकते, आपको ऑनलाइन ही आप इसको करेंगे। और उसके बाद जो है द कैंडिडेट हु डू नॉट सबमिट ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर देयर लास्टेड और अडॉप्टेड सेंटर एग्जामिनेशन एनी केस, वो कह रहे हैं कि अगर कोई जो कैंडिडेट अगर ऑनलाइन उसको सेंटर को जो है वो चेंज नहीं करता तो जो पहले उसने सिलेक्ट किया हुआ था वही सेंटर इसको अलाउड होंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद एडमिशन सर्टिफिकेट जो रोल नंबर स्लिप्स हैं ये आपको 3rd week of December के तीसरे हफ्ते में रोल नंबर स्लिप्स जो है वो अपलोड हो जाएंगी तो ऑल कैंडिडेट्स वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी लेक्चरर की पोस्ट के ऊपर जो अनाउंस हुआ है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे लिस्ट हम डिस्कस करेंगे जिन जिन पोस्ट का जिन जिन जॉब्स का और टेस्ट कंडक्ट होने हैं उनके बारे में हम अब डिस्कस करते हैं। गौर से सुनिएगा और गौर से इसको देखें, ये अब आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आई तो फिर आप इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे।
अब टोटल जो आपके टेस्ट होने हैं वो एड नंबर 4 से लेके 7 तक जिन्होंने अप्लाई किए हुए हैं उन्हीं के यहाँ पे अब इनके टेस्ट कंडक्ट होंगे। एड नंबर 4 में जो इंस्पेक्टर कस्टम के ऊपर जिसने अप्लाई किया था, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के ऊपर जिसने अप्लाई किया था, रेवेन्यू डिवीजन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जिसने उस ऊपर अप्लाई किया था उसका टेस्ट कंडक्ट होगा, प्रिवेंटेटिव ऑफिसर्स का जिसने अप्लाई किया था उसका, जनरल स्टाफ ऑफिसर्स, आर्म्ड फोर्स इंस्टीट्यूट वाले सेकेंडरी स्कूल टीचर्स, यस ये देखें सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के ऊपर जिसने अप्लाई किया था, तो उसके बारे में जो है इनके टेस्ट डेट का अनाउंस हो चुका है, शेड्यूल अनाउंस हो चुके हैं इनके, 29 तारीख से टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद रजिस्ट्रार के ऊपर जिसने अप्लाई किया था, असिस्टेंट डायरेक्टर के ऊपर अप्लाई किया था, उनके डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सारी आप रीड आउट कर सकते हैं इंशाल्लाह। अब हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट के अंदर मैं आपको डिटेल लेक्चरर की पार्ट्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल जो है वो डिटेल के साथ मैं आपको समझा सकूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।